अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स की टाइप, नंबर की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई और कुछ की पॉइंट्स वगैरह। जब नंबर्स नहीं होते तो उससे पहले लोगों को बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। उन्हें जाहिर सी बात है, जब हमें काउंटिंग ही नहीं आएगी, हमें काउंटिंग हमारे पास नहीं होगी। अब तो हमारे पास काउंटिंग है, हमने किसी चीज़ को गिनना हो तो हम 1, 2, 3, 4 गिन लेते हैं। इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास पेंसिल्स है तो हम काउंट करना है कितनी पेंसिल्स है, तो हम काउंटिंग का यूज़ करेंगे, 1, 2, 3, 4 इस तरह करके गिन लेंगे। लेकिन पहले ये नहीं थी, तब लोगों को बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। अब पहले जब लोग बकरियां वगैरह चराने जाते थे, तो अब जाहिर सी बात, जब वो लेके जाएंगे उन्होंने उतनी ही वापस लेके आनी जितनी लेके गए हैं, तो गिनेंगे तो उन्हें पता चलेगा ना। तो पहले तब गिनती तो होती नहीं थी, वो लोग करते थे ऐसा, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। एक जानवर आगे कर दिया, एक पत्थर रख लिया, फिर एक जानवर आगे कर दिया, फिर दूसरा पत्थर रख दिया, फिर तीसरा जानवर आगे किया, तीसरा पत्थर रख दिया। काउंट तो करते थे उसी तरह, अंदाजे से पत्थरों को रखते थे। फिर जब वापस आना उसी तरह ही करना, जब एक पत्थर एक साइड पे कर लिए, एक जानवर अंदर कर लिए, एक पत्थर एक साइड पे कर लिए, एक जानवर अंदर कर लिए, इस तरह वो करते थे। अगर होता था कि फॉर एग्जांपल कोई पत्थर बच जाता लेकिन जानवर ख़त्म हो जाते, तो इसका मतलब ये होता था कि कोई जानवर या पीछे छूट गया या उसे कोई खा गया, यानी कि एक जानवर हमारे पास कम है। और अगर कोई पत्थर जानवर बच जाते थे लेकिन पत्थर ख़त्म होते, इसका मतलब ये होता था किसी और का जानवर साथ आ गया। इस तरह था, लोगों को बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। फिर वादी सिंध के लोगों ने नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, 1, 2, 3, 4 इन नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे हम काउंटिंग कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं, काउंटिंग भी, और इसे एन से डिनोट करते हैं, 1, 2, 3 सोन इस तरह चलते जाते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और इनसे अपनी मुश्किलात को हल करना शुरू कर दिया। जानवरों को पत्थरों का इस्तेमाल उन्होंने ख़त्म कर दिया, वैसे ही 1, 2, 3, 4 इस तरह करके गिन लेना। फिर आगे चल के उन्हें थोड़ी सी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिस तरह ये फॉर एग्जांपल, जब उनके पास नेचुरल नंबर थे x+1, 3, ये एक इक्वेशन है, इसको इससे सॉल्व कर इसको नेचुरल नंबर से सॉल्व कर लेते थे। जैसे ये एक्स है, ये उधर गया -1 और x=2 आ गया, ठीक है, नेचुरल नंबर से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। फिर लेकिन आस्ता आस्ता आगे चल के हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई, ये 1-1, अब इसे सॉल्व करने से क्या आता है, हम अब तो 0 आता, तब ज़ीरो होता ही नहीं था, तो उनको ये मुश्किल का सामना पेश आए करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने एक और सेट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे हॉल नंबर कहते हैं, और W से इंट्रोड्यूस करवाया उनसे, ठीक है, इसे W से डिनोट करते हैं हॉल नंबर्स को। ये फिर ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इसमें 0 को सॉल्व कर लेते थे, 0 को सॉल्व करते। फिर आगे चल के इस तरह की प्रॉब्लम्स आई, 1-2=1, 3+ लिख लो उधर, x=1 ये उधर जाके माइनस हो गया, x=-1 आ रहा है, लेकिन ये -1 इस सेट में तो मौजूद नहीं होता था। इसके लिए उन्होंने और इंट्रोड्यूस करवाया नेगेटिव नंबर्स, इन्हें कहते थे, और नेगेटिव नंबर को जब इसने ऐड कर दिया तो क्या बन गए, इंटीजर्स, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, +0, +1, +2, इंटीजर्स। इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। फिर इस तरह आगे चलते चलते और प्रॉब्लम्स आती गई, जी अब ये उधर जाए क्या होगा, डिवाइड, अब ये फ्रैक्शन में आ गए। इस तरह के प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व करने के लिए फिर रैशनल नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं ना, क्वेश्चन की फॉर्म में, और क्वेश्चन को क्यू से डिनोट करते हैं, इसलिए उन्होंने इसे क्यू से डिनोट करवाया। और इसको इसके लिए उन्हें और इन्होंने इस पर कंडीशन लगाई कि जो तो इसने रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, और इसके ऊपर और नीचे, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो दोनों के दोनों बिलोंग्स टू जी से करें, मतलब इंटीजर हो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जो क्यू है मतलब डिनोमिनेटर है वो 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे होते हैं रैशनल नंबर, क्योंकि अगर क्यू 0 की इक्वल आ जाएगा तो फिर तो वो रैशनल नंबर नहीं बनेगा ना। रैशनल नंबर के लिए कंडीशन उन्होंने लगा दी थी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो, और डिनोमिनेटर जो है वो दोनों के दोनों इंटीजर्स में से ही आए, ठीक है। फिर रैशनल नंबर के बाद आ गए इरेशनल नंबर।
वुन के लिए कंडीशन क्या थी, वो पी बाय क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाए। रैशनल नंबर जो इरेशनल नंबर जो थे उनमें ये कंडीशन लगा दी थी कि वो पी बाय क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों का आ जाते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन आ जाता था। ये जो रैशनल और इरेशनल नंबर है इसे डेसिमल फॉर्म में भी लिखा जाता है, डेसिमल फॉर्म में भी लिख रही हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें होता है कि हम यानी कि डेसिमल में कैसे लिखते हैं रैशनल नंबर की कई पहचान। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर बार ओवर की फॉर्म में ही हो, पॉइंट की फॉर्म में भी हो सकता है ना नंबर, तो उसका पता करना हो कि ये किस तरह का मतलब रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, जो भी है, यानी कि इसके बारे में। टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 6.324 रुक गया, टर्मिनेटिंग में होता है कि कहीं ना कहीं जाके डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है। फिर एक और आता है रिकरिंग डेसिमल। इसमें होता है नंबर चलता जाता है 6.323232 सॉन, इस तरह ये चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, लेकिन इसमें एक सीक्वेंस के साथ वो रिपीट होगा, एक सीक्वेंस के साथ रिपीट होगा। ये जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल है ये रैशनल नंबर की ही टाइप्स हैं दोनों, ये दोनों रैशनल नंबर की ही टाइप्स हैं। फिर आगे आ जाती है इरेशनल नंबर की टाइप, जिसे कहते हैं नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं वो इरेशनल नंबर की टाइप्स है। उसमें होता है कि वो 9632 5 6 मतलब ये सॉन्ग चलते भी जा रहे हैं और इनमें किसी सीक्वेंस के साथ रिपीट भी हो रहा है, जिस तरह 4 3 4 9 6 फिर 3 के बाद 4 या 2 5 6 आ गया, मतलब किसी सीक्वेंस के साथ ये रिपीट नहीं होते, ना इसमें कोई सीक्वेंस होती है और ना ही ये रुक रहे होते हैं। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं, टर्मिनेटिंग में होता है कि कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कहीं भी नहीं रुकेंगे। रिकरिंग में होता है कि ये एक सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहे होते हैं और ये बिना किसी सीक्वेंस के रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, और ये इरेशनल नंबर भी इसे कहते हैं। और रैशनल नंबर जो पाई को भी रैशनल नंबर ही कहते हैं। पाई को जो हम होते हैं वो 22/7 से डिनोट करते करते हैं, तो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा गया तो फिर ये रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर कैसे हो जाएगा, तो इसे इरेशनल नंबर इसलिए कहते हैं कि 22/7 जो है ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 22/7 नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए इसे इरेशनल नंबर ही कहा जाता है। और स्क्वायर रूट के अंदर स्केयर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हो या फिर जी ऐसा नंबर जिसका स्केयर रूट हम फाइंड करें तो वो पॉइंट में आए, फाइंड मतलब कि परफेक्ट नंबर ना आए, एग्जैक्ट ना आए, तो उसे भी हम इरेशनल नंबर ही कहते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं नंबर्स की कुछ टाइप्स। हमने रैशनल, इरेशनल, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग कर लिया। उसके बाद आ जाती है प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती है उसमें, वो क्या है, पहले आती है एडिटिव लॉस। एडिटिव लॉस में आ जाता है क्लोयर लॉ ऑफ एडिशन। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कोई भी दो नंबर जो रियल नंबर में से बिलोंग करते हो उनको ऐड करें तो वो भी रियल नंबर आए, तो हम उसे कहते हैं क्लोयर लॉ। रियल नंबर में से हमने कोई 3 9 ले लिया, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 9 रियल नंबर ही है ना, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं और 3 और 9 रैशनल है, ये रियल नंबर से लिए, इनको ऐड करो तो क्या आ गया 12, और 12 भी रियल नंबर में बिलोंग करता है ना, तो ये कौन सी आ गई, क्लोयर, ये क्लोयर ला आ गया। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर ऐड कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आता है ये। उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ में होता है 3 2 1, ये हमने कोई से भी रियल नंबर ले लिए, 1+2+3 1+2+3
यहाँ पहले दो की इर्द-गिर्द ब्रैकेट लगा ली, यहाँ आखिरी दो की इर्द-गिर्द ब्रैकेट लगा ली। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। टू और वन थ्री प्लस थ्री, वन प्लस थ्री और टू फाइव, फाइव और वन सिक्स, थ्री और थ्री सिक्स इक्वल आगे। वो इसमें एसोसिएटिव ला में होता है कि ब्रैकेट्स को एसोसिएट करवा देते हैं। यहाँ पहले ब्रैकेट दो की इर्द-गिर्द ब्रैकेट लगा लो, या आखिरी दो की इर्द-गिर्द ब्रैकेट लगा लो, आंसर वही आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में भी हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा एसोसिएटिव ला। उसके बाद आता है एडिटिव एडिटिव इडेंटिटी। इडेंटिटी ऐसी चीज़ होती है कि उसे किसी भी नंबर के साथ हम करवाएं, अगर प्लस एडिटिव का देखना है तो प्लस करवाएं तो कोई फ़र्क ना पड़े, अगर मल्टीप्लाई का देखें तो मल्टीप्लाई करवाएं तो कोई फ़र्क ना पड़े। कोई सा भी रियल नंबर ले लिया हमने, नाइन ले लेते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर, माइनस नाइन ले ले चले, माइनस में लेके देख लेते हैं, रियल नंबर है। अब इसमें माइनस नाइन में ऐसा हम एडिटिव आइडेंटिटी देखने हैं तो हम ऐड के ऐड करेंगे। ऐसा क्या नंबर इसमें ऐड करें कि हमारे पास माइनस नाइन है, तो साइज बात वो क्या है, होगा ज़ीरो। उसके अलावा कोई भी नंबर ऐड करके देखेंगे चेंज हो जाएगा, माइनस नाइन नहीं रहेगा। इसमें ज़ीरो ऐड किया माइनस नाइन में तो माइनस नाइन रहा, तो इसका मतलब नाइन ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ऐड करते अगर कि नंबर्स को हम ऐड करें तो उसमें आइडेंटिटी जो होगी वो नाइन होगी। नाइन जो है वो एडिटिव सॉरी ज़ीरो, ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद आता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब उलट, एडिटिव मतलब एडिटिव ऐड और इनवर्स होता है उलट। तो ऐड को उलट क्या होता है, माइनस, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। अगर रियल नंबर हमने कोई भी लिया, माइनस एट ले लिया, रियल नंबर में से बिलोंग करता है माइनस एट, तो उसका उलट क्या होगा, एट माइनस एट है, इसका उलट क्या होगा, एट तो वैसे आ गया, माइनस का क्या होगा, प्लस। हमारे पास आंसर ज़ीरो आ रहा है ना। इनवर्स वो होता है कि उसमें एडिटिव इनवर्स वो होगा कि हम उसमें कोई भी नंबर लें, उसमें वो नंबर हम ऐड करना है जिससे आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आए। जो नंबर हमें आंसर आइडेंटिटी दे रहा है तो उस दूसरे नंबर का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। ये यहाँ पे देखें, एडिटिव इनवर्स में उन्होंने ए लिया है आर से, रियल नंबर में से, और उसका इनवर्स क्या होगा, माइनस है। जाहिर सी बात, जब ए में माइनस ही हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आ गया था कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव नाम से पता चला, कम्यूट करना, कोई से भी दो नंबर को हम कम्यूट करें आंसर फिर भी सेम है, उसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मतलब ए में बी प्लस कर लो या बी में ए प्लस कर लो, आंसर तो सेम ही आना है ना, सेम ही आए सॉरी, तो उसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। जिस तरह टू प्लस थ्री कर लो या थ्री प्लस टू कर लो, आंसर हमारे पास फाइव ही आएगा, सेम ही आंसर आ जाए, तो उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। फिर आ गया थे मल्टीप्लिकेशन लॉ। जिस तरह ये एडिटिव के किए हैं यही सेम आएंगे मल्टीप्लिकेशन, जहाँ यानी कि इसमें प्लस किया था इनमें माइनस करेंगे। क्लोजर लॉ, तो उसमें ऊपर क्लोजर लॉ में दो नंबर्स को हमने ऐड किया था, रियल नंबर में से दो नंबर उन्हें ऐड किया तो वो भी रियल नंबर में आ गए। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें ए बी दो रियल नंबर लिए, उनको हम मल्टीप्लाई करवाएं, वो भी रियल नंबर आए, तो वो कौन सा होगा, क्लोजर लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आएगा, ए बी सी रियल नंबर लिए तीन, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाए, ब्रैकेट या स्टार्ट में लास्ट में दो पे लगा लो या स्टार्ट में दो पे लगा लो, आंसर इक्वल ही आएगा, तो उसे हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि ऐसा नंबर किसी भी नंबर से, ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो और आंसर वही आज नंबर आ जाए, तो उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखें, अब माइनस एट से किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास माइनस एट ही है, तो जाहिर सी बात वन है, उसे किसी वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो उस नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर वही रह जाएगा। तो वन इसका मतलब क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा जो हमें आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे। मतलब थ्री है, थ्री का इनवर्स, थ्री को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन मिले, तो वो क्या होगा, वन ओवर थ्री। तो मतलब थ्री का इनवर्स क्या है, वन ओवर थ्री, और वन ओवर थ्री का इनवर्स क्या होगा, थ्री, कट के हमें वन दे रहे हैं ना। अब आगे कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, कोई से भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाओ, चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करवा दो या बी को ए से मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब यानी कि चाहे टू को थ्री से मल्टीप्लाई करवा दो या थ्री को टू से मल्टीप्लाई करवा दो, हमारे पास आंसर सेम ही आएगा, तो वो क्या हो गया, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। ए को बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और ए सी, बी प्लस ए प्लस बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए सी बी सी। आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी की प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नाम से पता है, अक्सी अक्सी मतलब रिफ्लेक्सिव मतलब अक्स से निकला है, तो ए इक्वल ए, जिस तरह हम अपना अक्स देखते हैं तो उसी तरह ही आ जाता है ना, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ए इक्वल ए। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अगर ए इक्वल है बी के तो बी भी इक्वल होगा ए के, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ए बी की इक्वल है और बी सी की इक्वल है, तो इसका मतलब ए सी के इक्वल होगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पहले आदमी की उम्र दूसरे के बराबर है, दूसरे की उम्र तीसरे के बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा ना कि पहले की उम्र तीसरे के बराबर भी तो होगी ना। उस आगे आती है एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर ए इक्वल बी के है, दो कोई से भी दो नंबर है वो आपस में इक्वल है, तो दोनों तरफ सेम ही नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो वो फिर भी इक्वल ही रहेंगे ना। जिस तरह ए प्लस बी, ए इक्वल बी है, ए किस तरफ भी सी प्लस कर दी और बी किस तरफ भी सी प्लस कर दी, फिर भी वो इक्वल रहेंगे, इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, वो भी इसी तरह यहाँ पर हम ऐड करें और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे सेम नंबर के साथ, तो वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। फिर आती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ए प्लस सी है इक्वल बी प्लस सी है, दोनों तरफ से इस सेम चीज़ को हम कट कर दें, कैंसिल कर दें, तो उस वो फिर भी इक्वली रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसे कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐड हो रहे हैं इसलिए हम एडिशन के हिसाब से कहेंगे, सेम इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में ये मल्टीप्लाई हो गए, फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी, या इसे ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में होता है कोई से ए या तो बी की इक्वल है, या ए बी से बड़ा है, या ए बी से छोटा है, या किसी भी चीज़ में तीन कंडीशन ही होती है। फॉर एग्जांपल अगर लें कोई दो पर्सनस ले लें, वो या तो आपस में उनकी उम्र है जो बराबर होगी, या ए की उम्र ज़्यादा होगी ए की कम होगी, या ए की पहले की उम्र सॉरी दोनों की उम्र एज जो या तो इक्वल होगी, या पहले की एक दूसरे से ज़्यादा होगी, या पहले की एक दूसरे से कम होगी, ये होगा। इसके अलावा चौथी कंडीशन नहीं होती, इस प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। सेकंड है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसमें है ए ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है सी से, तो फिर ए जो है वो सी से भी तो ग्रेटर होगा ना। इससे इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर फोर बड़ा है थ्री से और थ्री बड़ा है टू से, तो इसका मतलब है फोर जो है वो टू से भी तो बड़ा ही है ना, ये है इसकी एग्जांपल। इसी तरह सेम इसी में ये फर्ज कर दिया कि अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ए जो है वो सी से भी छोटा होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी आती है, एडिटिव प्रॉपर्टी में है ए बड़ा है बी से, तो दोनों तरफ हम कुछ ऐड कर दें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उससे फिर भी ग्रेटर ही रहेगा। इस तरह टू ग्रेटर है वन से, अब दोनों तरफ हम कुछ ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल थ्री दोनों तरफ हम ऐड कर दें, थ्री प्लस टू फाइव और फोर प्लस थ्री, थ्री प्लस वन फोर, फिर भी ये ग्रेटर ही रहेगा ना, यही चीज़ बताई है। और ये इसने बताया लेस के हिसाब से बता दिया, अगर बी लेस देन है ए लेस देन है बी से और सॉरी हाँ जी ये इधर ए लेस देन है बी से, तो दोनों तरफ सी हम ऐड कर दें तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी उससे लेस देन ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे है ए लेस देन है बी और सी लेस देन है डी, दोनों तो हम पहले वाले दोनों को ऐड करने छोटे दोनों जो ग्रेटर है सॉरी ये लिखा हुआ एक फोर ग्रेटर है थ्री से, थ्री ग्रेटर है टू से, और एक ले लेते हैं नाइन ग्रेटर है एट से, और एट ग्रेटर देन है टू से, तो हम इन दोनों को ऐड करें एट और नाइन और एट और टू, एट और नाइन सेवनटीन, एट और टू टेन, फिर भी ये बड़ा ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं। इसी तरह लेस में है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में ये कोई से तीन रियल नंबर ले लिए, वो कह रहे हैं सी ग्रेटर देन है ज़ीरो से, मतलब सी जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है,
तो ए ग्रेटर देन है बी से, ए बड़ा है बी से, तो दोनों तरफ सी को मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह ऊपर ऐड करे तो उसी तरह अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह अगर ए छोटा है बी से तो फिर दोनों तरफ सी को ऐड करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए वाली साइड फिर भी बी वाली साइड से छोटी ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है, यहाँ पे वो कहते हैं सी जो है वो लेस देन जीरो है, मतलब सी जीरो से छोटा है, मतलब सी जो है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव साइड से पता है नेगेटिव का साइन जहाँ पे वहाँ सब कुछ उलट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ए ग्रेटर है बी से और नेगेटिव वाला सी है, जो सी की कोई भी वैल्यू वो नेगेटिव में है, वो दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ग्रेटर जो वो लेस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर लेस देन है तो वो लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट है वो कह रहे ए बी सी डी कोई पॉजिटिव नंबर्स हैं, ए ग्रेटर देन बी से है और सी ग्रेटर देन डी से है, तो सी को ए से मल्टीप्लाई करवाए और बी को डी से मल्टीप्लाई, फिर भी ये वाली साइड जो होगी वो ग्रेटर ही होगी और ये वाली लेस ही होगी, जिस तरह हमने इसमें पढ़ा था, इसमें किया था, उसमें ऐड किया था, इसमें मल्टीप्लाई।